हेलो बच्चों, कार्बनिक रसायन का यह दूसरा लेक्चर है, सेकेंड लेक्चर है। कार्बनिक रसायन का प्रथम लेक्चर नहीं देखे होंगे तो उसे आप देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, वहाँ से जा कर के आप पढ़ सकते हैं या प्लेलिस्ट में जा कर के NCERT क्लास 12th क्लास 12 वाले लिस्ट में आप क्रमशः वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं शुरू करता हूँ। देखिए, कार्बनिक रसायन का जो प्रथम लेक्चर पढ़े रहे होंगे ना, तो उसमें आपके सामने एक प्रश्न आया था कि कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक रसायन या कार्बनिक यौगिकों से अलग ना होकर के, भिन्न ना होकर के समान है, फिर भी या किंतु कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन हम अलग से क्यों करते हैं, यही प्रश्न था। तभी आपको पता चलेगा कि कार्बनिक यौगिकों का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है, कार्बनिक यौगिकों के क्लासिफिकेशन की वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा, प्रश्न आपके सामने यही है कि कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन अलग से क्यों करते हैं। एक बात और देखिए, आपके सामने मैं नोट इसलिए किया हूँ क्योंकि आपको पता चले कि समझने के साथ साथ हमें नोट्स किस प्रकार से तैयार करना है, किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप हमें केवल कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुंच रही है, किस प्रकार से पहुंच रही है, फ्रेश आपको सुनाई देना चाहिए। ठीक है, गर्मी बहुत है इसलिए लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन अलग से क्यों करते हैं। देखिए, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं और बहुत से कारण है भी, फिर भी उन सभी कारणों में जो मूल कारण है, जो मुख्य कारण है, उससे मैं आपको बताऊंगा और उसके आधार पे आप खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कार्बनिक यौगिकों को हम अलग से अध्ययन क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, उसका पहला कारण यही है कि कार्बनिक यौगिकों की अत्यधिक संख्या का होना पहला कारण है। मैं आपको बताया था कि कार्बनिक यौगिकों की जो संख्या है वर्तमान में लगभग 1.60 करोड़ करोड़ ज्ञात है या ज्ञात किया जा चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे दैनिक जीवन में या प्रकृति में वर्तमान समय में कार्बनिक यौगिकों की संख्या की अगर हम बात करें ना, तो 1.60 करोड़ से भी ज़्यादा यौगिक बनाए जा चुके हैं या ज्ञात हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अकार्बनिक की तुलना में कार्बनिक यौगिकों की जो संख्या है उसको क्लासिफिकेशन करना, उसे अलग से पृथक करना ही उचित रहेगा कि नहीं रहेगा। रहेगा ना। देखिए, अकार्बनिक में तत्वों के संयोग से लगभग 1 लाख यौगिकों का, ठीक, इसे और बेहतरीन समझने के लिए आप अकार्बनिक लिख लीजिएगा, अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जा चुका है। तो 1 लाख बड़ा है या 1 लाख ज़्यादा है कि 1.60 करोड़ ज़्यादा है, तो इसकी संख्या मतलब कार्बनिक रसायन की संख्या अत्यधिक होने के कारण कार्बनिक यौगिकों को अलग से अध्ययन किया जाता है, इसका पहला कारण है। बातें क्लियर हुई ना। आगे देखिए, दूसरा जो मूल कारण है, जो मुख्य कारण है, वह है कार्बन की श्रृंखलित होने की प्रवृत्ति या क्षमता, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पूरी आवर्त सारणी में या आवर्त सारणी में कार्बन ही एक ऐसा मात्र तत्व है जिसके पास कैटिनेशन मतलब श्रृंखलित होने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। कोई तत्व हो या न हो, अगर कार्बन रहेंगे तो एक दूसरे से जुड़ करके लंबी चेन या क्लोज चेन का निर्माण तुरंत करेंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा, कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़ करके ब्रांच चेन बनाए हैं, इसलिए लिखा गया है ब्रांच चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो कार्बन ऐसा क्यों हुआ है, ये क्यों जुड़े हैं, क्योंकि इनके पास मतलब कार्बन के पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है, श्रृंखलित होने का गुण कार्बन के पास सबसे ज़्यादा होता है। ठीक
ठीक, यह प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा, आपको आपको बताना होगा कि कार्बन एटम है। ठीक, देखिए रिंग की फॉर्म में दिया गया है, ये लीनियर में जुड़े हुए हैं, कार्बन एक दूसरे से जुड़कर एक लंबी चैन, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण किए हैं। इस प्रॉपर्टीज को, कार्बन के इस प्रकार के गुण को आप बोलते हैं कार्बन की श्रृंखलित होने की प्रवृत्ति या क्षमता। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तीसरा जो मूल कारण है, जो मेन मेन कारण ही आप समझिए, ठीक है, जो मुख्य कारण है वो है कार्बनिक यौगिकों की संरचना। देखिए जब आप अकार्बनिक पढ़े रहे होंगे ना, अकार्बनिक का मतलब क्या है, तत्वों की बात होती है, तो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ETC, इनके बारे में जब आप अध्ययन करना चाहते हैं या करते हैं, ठीक, तो आप क्या करते हैं कि कोई भी एटम के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करना होता है तो उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, उसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, तब आप बोलते हैं कि एटम का जो शेप होता है वह स्फेरिकल होता है, उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स, वह इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, किस सेल में, कितने ऑर्बिटल, कितने कक्ष हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अकार्बनिक में तत्वों का अगर शेप की अगर हम बात करें तो स्फेरिकल मतलब गोलाकार बना करके हम समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं ना। लेकिन वहीं पे कार्बनिक यौगिकों की संरचना की अगर हम बात करें तो वह बहुत जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, सबका संरचना या सबका शेप एक ही जैसे नहीं होता है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बताइए, सही है ना, क्योंकि यहीं देख सकते हैं आप सबका क्या है, जो शेप है, जो संरचना है, अलग अलग है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अब इसकी बात करें तो देखिए इसमें 6 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, देखिए इसमें 3 कार्बन है, इसमें कितना, देखिए इसमें तो जुड़ जुड़ करके कई कार्बन एटम बड़ी चेन बना सकते हैं, छोटी चेन बना सकते हैं, ब्रांच के रूप में बना सकते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसका जो संरचना होता है वो फिक्स होता है, नहीं, जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, फिक्स नहीं होता है। ठीक, उसके बाद परमाणु भार की अगर हम बात करें तो कार्बनिक यौगिकों का जो परमाणु भार होता है बहुत उच्च होता है, ठीक है, लाखों करोड़ों हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, वसा में भी आ जाते हैं संतृप्त और असंतृप्त, ETC। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। उसके बाद कार्बनिक रसायन का क्षेत्र, देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी ऐसे नहीं पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, देखिए कार्बनिक रसायन का हमारे जीवन में कितना आवश्यक है, आपकी किताबों में इस प्रकार से लिखा है कि मानव के जीवन को उच्च बढ़ाने के लिए रसायन विज्ञान अति आवश्यक है या बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या केवल मानव के लिए रसायन विज्ञान अत्यधिक आवश्यक है? अगर उसकी जगह पे अगर हम इस प्रकार से बोल दें कि सभी प्राणियों के लिए रसायन विज्ञान बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बेहतरीन होगा कि नहीं होगा? क्यों, कैसे? क्योंकि अगर कोई कुत्ता, कोई पशु बीमार हो जाता है तो उसे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी, ज़रूरत होगी ना, बताइए, उसे रसायन की ज़रूरत नहीं होगी? बिल्कुल होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सभी प्राणियों के लिए रसायन विज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है या है। ठीक, तो देखिए हमारे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हम अपने जीवन में रसायन विज्ञान को किसी न किसी रूप में ज़रूर लेते हैं या प्राप्त करते हैं। ठीक, पालक खाते हैं तो पालक में रसायन विज्ञान की देन है, रसायन है कि नहीं है? नींबू, नींबू में खट्टा पदार्थ है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अभी मैं आपको और अच्छे से बता रहा हूँ, जैसे फूड मटेरियल्स आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, मोमोज हो गए, और जैसे चाउमीन हो गया, तो तमाम प्रकार की चटनी आजकल आ रही है, तो किसकी देन है? रसायन विज्ञान की देन है। अगर आपको फसल की पैदावार बढ़ाना है तो आपको किसकी ज़रूरत होती है? रसायन की ज़रूरत होती है कि नहीं, बताइए। विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके फसल की पैदावार को आप बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, किसकी देन है? रसायन विज्ञान की देन है। ठीक है, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो किसका सहारा लेते हैं? मेडिसिन का सहारा लेते हैं, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, सल्फा ड्रग्स, ठीक है, ETC, विभिन्न प्रकार के एल्केलॉइड्स का भी सहारा लेते हैं। जीवाणुओं को मारना है, कीटाणुओं को मारना है, इंसेक्टिसाइड जिसे बोलते हैं भाई, ठीक है, बैक्टीरियोसाइड्स, तो आप किसका सहारा लेते हैं? रसायन का सहारा लेते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा अगर
आपको विभिन्न प्रकार के अगर प्रोडक्ट बनाना है तो किसका सहारा लेते हैं? रसायन विज्ञान का सहारा लेते हैं, ठीक है। कपड़ों पर जो रंग आप देखते हैं ना, रंग बिरंगी आपको दिखता है, तो किसका देन है? रसायन विज्ञान का देन है। तो रसायन विज्ञान हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है। उसके उदाहरण दिया गया है, जो पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, किसका देन है? रसायन विज्ञान का। तो आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा यहाँ से, और इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा कार्बनिक रसायन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। बातें याद रखिएगा, ठीक है।